गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये भी हमारा एडवर्ब पे ही है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने दो टाइप ऑफ एडवर्ब पढ़े थे। पहला था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम और दूसरा था एडवर्ब ऑफ मैनर। सो हमने दो मैनर जो थे जो दो टाइप ऑफ एडवर्ब थे वो हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब, ये है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। सो ये जो है ये थर्ड टाइप का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब जो इसकी डेफिनेशन है ये है जो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि दिस शोज हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और इन व्हाट एक्सटेंट, यानी कि ये आपको किसी भी चीज़ की एक लिमिट बताता है कि वो चीज़ कितनी है। या तो सबसे पहले बताएगा कि क्वांटिटी कितनी है, कि हाउ मच। सो क्वांटिटी तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि क्वांटिटी हमको ये बताएगा कि दिस शोज हाउ मच इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनी थिंग। यहाँ पे ये नाउन की बताएगा या वर्ब की बताएगा, वैसे स्पेशली वर्ब की बताएगा। और इन व्हाट डिग्री और इन व्हाट एक्सटेंट, यानी किस हद तक वो चीज़ किसकी, जो भी हम वहाँ पर वर्ब यूज़ कर रहे थे उसका किस लेवल तक वो चीज़ एक्सटेंड हो रही है या किस लेवल तक वो जा रही है, तो उस चीज़ को ये हमको एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी उस चीज़ को दर्शाने में हमारी हेल्प करता है। तो अब जो इसके जो एग्जाम जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो वर्ड्स जो है हमारे पास वो हैं ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, क्वाइट, टू, फेयरली, hardly, just, much, very, nearly, entirely, और rather। सो ये हमारे पास जो है ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी को शो करने के लिए। तो हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो है ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, क्वाइट, टू, ये टी डबल ओ वाला टू है, फेयरली, हार्डली, जस्ट, मच, very, nearly, entirely और rather। सो ये इतने हमारे पास वर्ड्स हैं जो कि हम एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये डेफिनेशन है हमारी और ये जो वर्ड्स हैं इनको आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारे पास जो इसके लिए एग्जांपल्स है, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है, फर्स्ट एग्जांपल जो है
सबसे पहला सेंटेंस है वो ये है कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट माई फादर गॉट द रिवॉर्ड, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे फादर को यानी मेरे पिता को रिवॉर्ड मिला। सो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब कि यहाँ पे हैप्पी तो है व्यक्ति, कि यहाँ पर आप देखिए कि जो हैप्पी है ये हो गया यहाँ पे कि हैप्पी तो व्यक्ति है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि आई एम हैप्पी दैट माई फादर गॉट द रिवॉर्ड, यानी कि मैं खुश हूँ कि मेरे फादर को रिवॉर्ड मिला। लेकिन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को बता रहे हैं, यानी कि डिग्री को बता रहे हैं कि किस हद तक व्यक्ति खुश है। सो ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, सो यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। सो एक होता है खुश होना, एक होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, तो इसमें हमको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि व्यक्ति किस हद तक खुश है। तो हमको पता चल रहा है कि किस एक्सटेंट तक या किस डिग्री तक व्यक्ति की जो हैप्पीनेस है वो कितनी है। सो असली हमने यूज़ किया एक्सट्रीमली हैप्पी, तो जो एक्सट्रीमली हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वान्टिटी। सो इस सेंटेंस में वर्ड हो जाएगा एक्सट्रीमली। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा सेंटेंस है नेक्स्ट है ही वॉज टू केयरलेस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस था। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ही वॉज केयरलेस, कि वो केयरलेस था। लेकिन अब वो केयरलेस कितना है, वो हम कह सकते हैं कि ही वॉज लेस केयरलेस, कि वो थोड़ा केयरलेस था, कि हम कहेंगे कि वो सिंपली ही वॉज केयरलेस या ही वॉज टू केयरलेस। तो हमको यहाँ पे एक डिग्री मिल रही है कि हमको पता चल रहा है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा केयरलेस था। सो उसको केयरलेस को डिफाइन करने के लिए कि वो कितना केयरलेस है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है टू T-O-O-2। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस था। तो आप देखिए यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा को जो डिफाइन हुआ है तो वो एक डिग्री है कि वो व्यक्ति किस हद तक केयरलेस था, तो वो उसको डिफाइन कर रहा है टू। तो टू जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। सो इस सेंटेंस में जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू। और जो थर्ड हमारा सेंटेंस है नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी सिंग्स प्रिटी वेल, यानी कि वो काफ़ी अच्छा गाती है। सो हम इसको नॉर्मली कहेंगे तो ये हो जाएगा शी सिंग्स वेल, कि वो अच्छा गाती है। लेकिन हम कहेंगे वो काफ़ी अच्छा गाती है, यानी कि हमने अच्छे से वो कुछ हद तक ज़्यादा अच्छा गाती है। सो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया है प्रिटी। सो दिस अगेन डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ हर वेलनेस इन सिंगिंग, कि वो कितना अच्छा गा सकती है। सो उसके लिए हमने यूज़ किया है प्रिटी। तो प्रिटी विल ऑल्सो बी the adverb of degree or quantity. So these are the three examples. So please note them in your copies. सो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है
जो हमारा टाइप है एडवर्ब का वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, द एडवर्ब दैट शोज वेयर एन एक्शन इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी कि जहाँ पे कोई काम हुआ हो, यानी कि जहाँ पे कोई भी एक्शन हुआ हो, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो लगाएंगे उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब जो इसके लिए हम जो वर्ड्स यूज करेंगे वो हैं, सो जो हमारे वर्ड्स हैं वो हैं आउटसाइड, फॉरवर्ड, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, नियर, अप, डाउन, हियर। सो इतने वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे किसी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। सो ये हमारी डेफिनेशन है एडवर्ब ऑफ प्लेस की, और ये वर्ड्स हैं जो हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए हम यूज़ करेंगे। सो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है ये है, नो वन केम फॉरवर्ड टू हेल्प द पुअर मैन। यानी कि एक गरीब आदमी की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पे यूज हुआ है वो हुआ है फॉरवर्ड। अब देखिए कि केम, केम हो जाएगा आपका पास्ट टेंस हो जाएगा वर्ब का, सो कम का हो जाएगा केम, और केम के साथ लगा है फॉरवर्ड, सो फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब कि कोई भी मदद करने को आगे नहीं आया। सो फॉरवर्ड विल बी दी एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि आप देखिए कि ये लगा हुआ है वर्ब के साथ। सो इस सेंटेंस में जो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरवर्ड। इसी तरीके से हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सेकंड है गो देयर। गो देयर यानी कि वहां जाओ। तो आप देखिए हम सिंपली कहें कि गो, अब वो गो हो सकता है कि बस जाओ, अब वो कहाँ जाओ हमको नहीं पता। सो इसमें हमने सिंपली हमने ऐड किया है देयर कि वहाँ जाओ का, मतलब हमने स्पेसिफाई एक जगह कर दी कि यहाँ जाना है। सो कि हमने मतलब जब हमने एक प्लेस जगह स्पेसिफाई कर देना, मतलब वी हैव डिफाइंड अ पर्टिकुलर प्लेस, तो ये देयर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्लेस को। सो इस छोटे से सेंटेंस में जो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा वो हो जाएगा देयर। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द लिटिल लैम्प फॉलोड मेरी एवरीवेयर। यानी कि जो लिटिल लैम्प था, यानी कि जो छोटा सा लैम्प था, वो मेरी को हर जगह फॉलो करता था। सो आप देखिए यहाँ पे कि
जो लैम, हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, लिटिल लैम फॉलोड मैरी, की लिटिल लैम जो था वो मैरी को फॉलो करता था। अब वो कहाँ फॉलो करता था हमको नहीं पता, तो हमको उसको डिफाइन करना है कि वो कहाँ फॉलो करता था। तो उस प्लेस को डिफाइन करने के लिए हमने यूज़ किया है एवरीवेयर, यानी कि हर जगह फॉलो करता था। एवरीवेयर मीन्स हर जगह। तो इससे हमको पता चल गया कि यहाँ पे जो लैम है वो उसको हर जगह फॉलो कर रहा है। सो वी हैव डिफाइंड अ पर्टिकुलर थिंग कि वो हर जगह, अगर हमको हम यहाँ पे उसको ये भी डिफाइन कर सकते थे कि वो सिर्फ यहाँ जाता है या वहाँ जाता है, तो हम वो ही बता सकते थे। लेकिन हम इसको नहीं लगाते तो हमको ये भी पता नहीं चलता कि वो उसको कहाँ कहाँ फॉलो करता है। सो इस सेंटेंस में जो एवरीवेयर है ये है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के तीन एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट है हमारा ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। दीज एडवर्ब्स टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि हमको ये बताता है कि कोई भी टेल्स अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली, यानी कि कोई भी एक्शन कितनी बार या कितनी जल्दी जल्दी होता है, यानी कि हमको एक ये बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी बार हो रही है। तो किसी भी एक्शन का कितनी बार होना, कि वो बार बार हो रहा है या वो कम बार हो रहा है, या वो कितनी बार हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स उसके कितने हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी, इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से वर्ड्स हैं। पहला है ओकेजनली, ऑफन, ट्वाइस, ऑलवेज, नेवर। सो ये हमारे पास वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए किसी भी सेंटेंस में। सो ये डेफिनेशन है और ये वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। सो इनको आप नोट कर लीजिए। जो पहला एग्जाम्पल है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, ये है आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस।
आप देखिए कि मैंने इसमें जो सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं कि हमने तुम्हें दो बार बताया, ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स। तो इसमें आप देखिए कि ट्वाइस जो है ये नंबर ऑफ टाइम्स बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ कितनी बार हो रही है। कि देखिए यहाँ पे आई हैव टोल्ड यू, मतलब मैं इसको सिंपली कह सकते हैं कि हमने तुम्हें बताया था, लेकिन कितनी बार बताया यहाँ पे, यहाँ पे हमने दो बार बताया। सो दो बार जो है ये हमको एक फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है कि आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, यानी कि आई हैव टोल्ड यू टू टाइम्स। सो टू टाइम्स हो जाएगा, यानी कि टू टाइम्स हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इस सेंटेंस में वो हो जाएगा ट्वाइस। So, इसी तरीके से जब हमारे पास अगला सेंटेंस है, ही ऑफन मेक मिस्टेक्स, कि वो हर बार मिस्टेक्स करता है। सो अब हम सिंपल कह सकते हैं कि ही मेक मिस्टेक्स, कि वो गलतियां करता है, लेकिन हम कहें कि वो ऑफन मेक मिस्टेक्स, ही ऑफन मेक मिस्टेक्स, तो ये हो जाएगा कि वो हर बार ही गलती करता है। सो यहाँ पे आप देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ऑफन। ऑफन यानी कि बार बार या हर बार वो चीज़ हो रही है। सो ऑफन जो हो जाएगा इस सेंटेंस में वो हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, ही सेल्डम कम्स हियर, यानी कि वो यहाँ कभी कभी ही आता है। सो सेल्डम मतलब हो जाएगा कभी कभी। सो इससे हमको पता चला, हम सिंपल लिख सकते हैं कि ही कम्स हियर, कि वो यहाँ आता है। अब वो कितनी बार आता है, हर बार आता है, कभी कभी आता है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है सेल्डम। सेल्डम यानी कि वो कभी कभी आता है, यानी कि कम आता है। सो सेल्डम जो वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। सो ये तीन आपके एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब जो इसकी डेफिनेशन है, सो जो हमारी डेफिनेशन है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स की वो ये है, दीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट टाइम, मैनर एंड प्लेस। यानी कि ये जो है हमको यूज़ हम इनको करते हैं ताकि हम यूज़ हम इसके लिए करते हैं ताकि हम क्वेश्चन कर सकें अबाउट टाइम यानी समय के बारे में, मैनर के बारे में यानी किस तरह से, और एंड प्लेस यानी जगह के बारे में हम क्वेश्चन को हम फॉर्म कर सके। तो इन वर्ड्स को यूज कर इन सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। अब जो वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं वो है हमारे पास
सो ये हमारे वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के लिए. सो जो वर्ड्स हैं वो हैं हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, वेन, वेयर, हाउ, वाई, सिंस. सो इतने वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स को फॉर्म करने के लिए. सो ये डेफिनेशन है और ये वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे. सो इनको आप नोट कर लीजिए. जो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का ये है सबसे पहले जो सेंटेंस है ये है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एबसेंट टूडे, यानी कि आज कितने स्टूडेंट एबसेंट थे. तो आप देखिए कि ये सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में सेंटेंस है. तो इंटरोगेटिव वर्ड जहाँ भी आ जाता है आप सिंपल समझ लीजिए कि वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, यानी कि वो एक क्वेश्चन ही होगा. अब जहाँ पे जो इंटरोगेटिव एडवर्ब यूज़ किया है वो है हाउ मैनी, कि कितने बच्चे आज क्लास में प्रेजेंट थे, या हम कह सकते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एबसेंट टुडे, यानी कि आज क्लास में कितने बच्चे एबसेंट हैं. सो कितने बच्चे, उसके लिए हमने यूज किया हाउ मेनी. सो इस सेंटेंस में जो आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा हाउ मेनी. सेकेंड जो है हमारे पास ये हो जाएगा When did you come, कि तुम कब आए. सो यहाँ पे हम फिर से पूछ रहे हैं कि when, कि कब आए, मतलब when हमने इसलिए यूज किया ताकि हम इसमें इंटेरोगेट कर सकें कि तुम कब आए. सो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड सेंटेंस. और इस सेंटेंस में जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा when. अब जो थर्ड हो जाएगा हमारे पास हाउ हाई इज राजा बाई टावर, यानी कि राजा बाई टावर कितना ऊंचा है. सो हमने यहाँ पे पूछा है कि हाउ, कि कितना है वो. सो यहाँ पे हमने फिर एक जो है वो क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो किया है हाउ. सो इस सेंटेंस में जो आपका जो इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा हाउ. सो ये हमारे तीन एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंटरोगेटिव एडवर्ब के हैं. सो इनको आप नोट कर लीजिए. सो आज की क्लास में हमने जो है वो जो हमारे बचे हुए चार जो टाइप ऑफ एडवर्ब्स थे वो हमने पढ़े, जो कि सबसे पहला जो था हमारा जो आज हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, जिसमें कि हम किसी भी डिग्री तक जो चीज़ जा रही है, किस लेवल तक जा रही है और कितनी क्वांटिटी है उसकी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. सेकेंड था एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि कोई भी एक्शन कहाँ हुआ है उसके लिए हम यूज़ करते थे. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ है उसके नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हम यूज़ करते थे. और चौथा जो है वो है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, यानी कि ऐसे एडवर्ब्स जिनको हम एक क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. थैंक यू.